दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। मैंने एसपी को कंप्लेन की और एसडीएम को भी कंप्लेन की। नहीं नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आई एम विद माय फादर, यहाँ पे आए हुए। और मैं कहाँ के रहने वाले आप? मैं शिमला में 12 साल से रह रही हूँ और वैसे अम्बाला में मुझे भेज दिया इन्होंने और यहाँ पे मैं भटक रही हूँ। चलो मैं देख लेता हूँ, मेरे ध्यान में लाया। अब हौसला रखिए, इमीडिएट एक्शन लो। मतलब ये है कि मैं से मदर मेरे बच्चों को दूर कर दिया गया और मैं ये सब फेस कर रही हूँ, वो दे नहीं रहे और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अल्लाह के निवासी हूँ और मैं यहाँ पे, मेरी मैरिज हुई है मनजीत सिंह से, शिमला में 12 साल से यहीं रह रही थी और 12 साल में मेरे कम से कम 50 इन्होंने मेरे साथ झगड़े किए और मैंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे रूले ना इधर उधर मत भटके। पर फिर भी, और मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, ये मेरे पे नाम लगा देते हैं कि तेरे कहीं पे बाहर चक्कर है, ये है। वो मुझे जॉब भी नहीं करने देते, घर बिठा देते हैं। पहले मैंने टीचिंग जॉब की है, एज ए इंग्लिश टीचर मैंने हर जगह जॉब, मतलब स्कूल्स में टीचिंग की हुई है। बेटी होने वाली थी तब भी ये कहते कि मेरे पे गलत नाम लगाने शुरू हो गए और मैंने इसके लिए कितनी बार न्यू शिमला BCS में भी कंप्लेन की और मैं अपने फादर पेरेंट्स को बुला के मेरा समझौता हो जाता था कि चलो बच्चों के लिए मैं ये सब कर लेती हूँ और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया जैसे कि हर एक लेडी करती है, मैंने वैसा किया। पर मेरे को क्या फेस करना पड़ा, आज उन्होंने अपना फ्लैट लिया और अभी मतलब पूरी किस्त नहीं दी है और इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया ये कह के कि तू निकल जा, मेरे बच्चे हैं मैं खुद संभाल लूँगा। और मैंने समर हिल में मैंने कंप्लेन दी थी, वहाँ पे इंस्पेक्टर थे उन्होंने कंप्लेन लिखी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि आपको घर से निकल जाना चाहिए, ये इंसान ऐसा है कि यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि प्लीज़ नहीं, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है, आप भी या तो मुझे वहाँ रहने दे। अब मेरे को घर पे भी नहीं रहने दे रहे हैं वो और मैं अपने पेरेंट्स के घर, मेरे को निकाल के वहाँ से भेज दिया। और मेरे को एप्लीकेशन वहाँ पे जो मैंने कंप्लेंट लेटर लिखी है उसमें भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उसमें लिखा गया कि मैं कोर्ट के थ्रू केस खुद करवा लूँगी, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है जैसे कहा गया। मैंने वैसे अपनी तरफ से वैसे लिखा कि मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ठीक होगा। बाद में जब मैं SDM SP के पास जा रही हूँ तो वो कह रही है ये आपके हक में नहीं है, मतलब मुझे ये फेस कंडीशन करनी पड़ी, ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़ी है, तो इसका क्या सलूशन है? मेरी बेटी है, बहुत छोटी है, देखो उसको भी, बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है कि हाँ तेरी मम्मा ऐसी है, तूने मम्मा के पास नहीं जाना है, ये सब। और मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, वो जबरदस्ती रख रहे हैं, वो भी मेरे वापस नहीं दिला रहे मेरे को ना। तो मैं सबसे ज्यादा प्लीज मेरे को मेरे बच्चे दिए जाए। और ये 2010 में हुई थी मेरी ना CM से कि इस केस के थ्रू मेरे बच्चे मेरे को दिलाए जाए और ये मेरे को कहीं पे नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, यहाँ मैं नौकरी कर रही थी, मेरी नौकरी भी छुड़ा दी है इनके गलत शक के कारण। मतलब हर एक लेडी को ही क्यों हमेशा सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। इसके लिए मैं हर एक वुमन के कहती हूँ कि आप आगे आए और मेरा सपोर्ट करें कि मतलब मैं इस कंडीशन के लिए क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखाई है, आगे CDP के टूटू के थ्रू उन्होंने कहा था कि आपका कोर्ट केस हुआ, लेकिन उसमें ये कहा गया कि आपका 6 महीने साल 2 साल लग सकते हैं, आपकी बेटी के लिए इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अपनी बच्चों के बिना इतना टाइम नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ पे आई। थैंक यू। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।